मजीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोंदला वाला गांव में और मेन रोड पे खड़ा हूँ। ये मेन रोड अरसा दराज से इसी तरह ख़राब है। यहाँ पे गंदा पानी जमा है, सीवरेज की लाइन बंद होने की वजह से जो सीवरेज का पानी है वो रोड के ऊपर खड़ा है। और या ये वो मेन रोड है जहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पे गुजरांवाला का जो सबसे बड़ा टीचिंग अस्पताल है, गुजरांवाला टीचिंग अस्पताल, वो कायम है। और यहाँ पे जो लोगों का गुजरगाह है वो नहायत महाल है। इलाका मकीनों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चे और नवाजी भी इस गंदगी से महफूज नहीं है। जनाजे का गुजरना यहाँ से बेहद मुश्किल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुतअद्दद बार दरख्वास्त देने के बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। बड़े अफसरान यहाँ पर आते हैं, गुजरते हैं, मुआयना करते हैं और चले जाते हैं। अरसाए दराज से इस रोड की किस्मत नहीं बदली जा सकी, इस रोड की कहानी कोई भी नहीं सुनता। जी जी सर, इलाके की सूरत हाल के बारे में मुझे बताएं और ये बताएं कि ये पानी कितने अरसे से यहाँ पे खड़ा है और ये कितने इलाके में ये पानी इस तरह खड़ा है और क्या मुश्किलात आपको पेश आ रहे हैं? ये तकरीबन सर पूरे मोहल्ले में ही खड़ा हुआ है, बल्कि पूरे गांव में ही खड़ा हुआ है पानी। हम 3-4 साल से इस मुश्किलात में हैं। हमारी कोई फौतगी हो जाए, कोई शादी आ जाए, हम इधर घर में प्रोग्राम नहीं कर सकते। हम इतना तंग है कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतना तंग है कि हम बयान ही नहीं कर सकते। पूरा मोहल्ला, ये तकरीबन हज़ारों की आबादी है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। हम सुबह से शाम तक कहें ना कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, फिर भी कम है, उससे भी ज़्यादा परेशान हैं हम इस पानी से। इतने परेशान हैं, क्या करें बताओ, कहाँ जाएं, मकान भी नहीं बेच सकते। इलाके के नाज़मीन को आपने कितनी बार इत्तला दी, कितनी बार दरख्वास्त दी, कितनी बार आवाज़ उठाई? सबको पता है, सबको नज़र में है। इलाके के मोतबेर यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से देखते हैं, सारा उनके सामने है। हमें लगी कोई कुछ कर नहीं रहा, हम इतने परेशान हैं। ये इधर मेरी छोटी सी शॉप थी किराना की, ये मेरी शॉप है, ये जो इसका इधर मैं 10 साल से इधर दुकानदार हूँ। कई दफ़ा पैसे डाल डाल के, सौदा डाल डाल के खाया, लेकिन इधर पानी की वजह से ख़त्म हो जाती है दुकान, खाया जाता है, क्या करें। गाह ही नहीं आता, जब थोड़े बहुत कमाएंगे तो वो बच्चों को खिलाएंगे कि सौदा ले आएंगे, क्या करेंगे। बहुत परेशान हैं हम, अब फारग हैं बिल्कुल, काम भी नहीं है, बस इधर उधर घूम रहे हैं, दुकान में सौदा भी नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि बस रोज़ का जो हांडी टुकर है वो भी बहुत मुश्किल हो गया। बहुत परेशान है, और ये सबसे ज़्यादा पानी से परेशान है। बताओ कहाँ जाएं हम, किसको कहें जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे यहाँ ना जी काफ़ी अरसा से पानी खड़ा हुआ है, और ये पानी जितना भी खड़ा है ना जी, ये कभी भी यहाँ से निकलता नहीं है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर गमी खुशियाँ होती हैं। हमारे यहाँ अभी भी फौत की हुई है, तो इस पानी में से निकल के आएंगे सारे जितने भी लोग हैं फोतगी वाले। इसी तरह हमारी मस्जिद है, मस्जिद के चारों तरफ पानी खड़ा हुआ है। हाँ जी, कोई बंदा यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। और कितनी देर से अक्सर लोग आते हैं, मीडिया वाले भी आए हैं, एमपी एमएनए भी आए हैं, पिछले दिनों में एक अफसर बड़े थे वो भी यहाँ पर आए हैं, वो भी देख के चले गए हैं। और देखने के बाद इसके बारे में कोई रद्दअमल नहीं होता कि यहाँ पर काम किया जाए, ये पानी का निकास जो है ये बेहतर हो जाए। हाँ जी, हमारी मस्जिद जो है अरसा दराज से पानी के गिर्द है, और ये गंदा पानी है। हमारी बस्ती के जितने भी घर हैं ये पानी के अंदर डूबे हुए हैं, और इसकी वजह से हमारे बच्चे बूढ़े जवान जो हैं इस बीमारी में मुबतला हैं। हाँ जी, और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो लाक होती हैं। तो आपसे गुजारिश है, ये मीडिया वालों से भी गुजारिश है, हमारे इलाके के जितने भी बड़े हैं, हाँ जी MPA हैं, MNA हैं, हाँ जी, और इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ के चेयरमैन हजरात हैं, इनसे गुजारिश करते हैं कि ये आबादी गरीब लोग हैं, तो इनकी इनकी जो है सुनवाई नहीं होती कहीं पर भी। हमने जो काफ़ी दफ़ा एहतजाज भी किए हैं, लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ बने, हाँ जी, हमारी इस मसले को हल फरमाएँ। हाँ जी, ये मस्जिदें हैं, मस्जिदें वीरान हैं, कोई नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाता। अजान होती है, एक दो बंदा नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है। हमें पता नहीं हमारे कपड़े पाक हैं नहीं पाक। तो आपसे गुजारिश है हमारी आवाज़ बने, हमारे इस मसले को हल फरमाए, अल्लाह आप लोग को जजाय खैर अता फरमाए। तो ये जनाब है तंग है, ये मशहूर है मीडिया वाले, चलो आए ने है साडा जनाब है मसला वे साडे आला सरबरान नाल जिहड़े गुजारिश है कि अरसा दराज तो कोई हाल नहीं है, इतने ना पैदल गुजरन वालों का तो ना गड्डिया तो कोई भी नहीं है। तो साड़ी गुजारिश है वे कि जनाब चेयरमैन साहब हज साहब साहब ने वो करते हैं इतने काम, लेकिन यदा कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए। साढ़े उधर पर महल्लों के घर पानी खड़ा है, साड़िया औरतां बच्चे स्कूल जाना होंगे, नमाज पढ़नी होंगी ने, जिस वजह तो अभी बड़े डिस्टर्ब होए हैं। मेहरबानी करके साडा मीडिया के गुजारिश है कि आला सरबरान गुजारिश की जाए
जनाब डीसी साहब ने फयाज मोहल साहब वो आन इतने विजिट कर मुस्तकिल हल कर नाल पर सूआ लंघता कोई थोड़ी दूर तो वो निकासी की जाए साढ़े पानी की तो सू ज ना अपना साढ़ा मसला हल किया जाए साढ़ा तो जनाब शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी सर जी अस गोंदलवाला रोड तो असं लोग बहुत परेशान हो पूरा पिंड बहुत परेशान होया पानी तो अरसा दराज तो पानी इतने खला है ता कोई इंतजाम नहीं हो रहा दरखास्त दीतिया बड़े अफसर भी आते जाते हैं वेंदे ने वेख के इस तरह टुट जाते हैं कोई अमल नहीं हो रहा जनादा इतों कफौदगी हो जाए इन्ना मुश्किल बरात आ जाए इन्नी मुश्किल तो लंघना बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों नमाज दी मस्जिद नमाज पढ़ने जाना होंगे है सारे लोगों के कपड़े प्रीत हो मुसाफरी तो लंघते हैं सारे पिंड को गाला कटते जाते हैं कहते मर गया बगैर तो गया तो की हाल होया तुहाडे रोड का तुम कोई हल नहीं कढ़न रहा है तुहाडी मेहरबानी है सारा अगर कोई हो सकता है तो हल कर दो बहुत परेशानी सारा पिंड बहुत परेशानी चीत हो बहुत मेहरबानी है कोई हल कर दो पानी का इंतजाम। जी नाज़रीन हमने गोंदलावाला गाँव का आपको विजिट करवाया आपको दिखाया कि यहाँ पर रहने वाले लोग किस तरह किस किस्म के अजाब में मुब्तला हैं और शहरियों ने हमें यह बताया है कि ये अरसा दराज से पानी इसी तरह खड़ा है यानी कि कई साल हो चुके हैं बड़े बड़े अफसरान यहाँ पर आते हैं विज़िट करते हैं देखते हैं चले जाते हैं मीडिया वाले भी पहले बहुत बार यहाँ पर आए उन्होंने भी देखा और वापस चले जाते हैं बहुत दफ़ा हमने एहतजाज किया बड़ी बार हमने दरख्वास्त दी लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी और आप मेरे पीछे मनाजर देख सकते हैं कि किस तरह जो पानी है वो घरों की चौखट से भी ऊपर आ चुका है और ये पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है यहाँ पर अगर कोई फोतकी हो जाए या नमाजियों ने नमाज़ पढ़ने जाना हो तो ऐन मुमकिन है कि यहाँ से गुजर कर नहीं जाया जा सकता और ये एक अजीब तरह का अजाब है जो यहाँ पर यूँ समझ ले कि गाँव के लोग इस अजाब को भुगत रहे हैं सो आला हुकाम से उनकी भी ये गुजारिश है हमारी भी ये गुजारिश है कि इस पे भरपूर नज़र की जाए और इस मसले को फौरी तौर पे हल किया जाए।